गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत है। कल के दिन हमने देखा कि यूएस मार्केट्स क्लोज थे। आज यूएस स्टॉक फ्यूचर्स स्लाइटली नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे न्यूट्रल टू नेगेटिव सॉर्ट ऑफ पैटर्न है और सिंगापुर निफ्टी लगभग 40 से 50 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रही है। सबसे कंसर्निंग अगर कोई फैक्टर है तो वो यही है कि क्रूड प्राइजेस जो है उसमें एक उछाल देखा गया है। 122 के करीब ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। उसमें जो इम्पॉर्टेंट अगर कोई रीज़न अगर बन के आ रहा है, उभर के अगर आ रहा है, तो वो यही है कि यूरोपियन लीडर्स ने एक पार्शियल बैन रशियन ऑयल्स के खरीदारी पे लगाया है और इसी वजह से हमने ब्रेंट क्रूड में और इजाफा होते हुए देखा है। ओपेक की मीटिंग इस वीक में एक शेड्यूल है और बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो यहाँ से आने वाले कुछ दिनों में क्रूड के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और क्रूड कैसे बिहेव करता है, परफॉर्म कैसे करता है, उसी के ऊपर ओवरऑल मार्केट का एक व्यू बनेगा। साथ ही साथ अगर लेवल्स की अगर बात करें तो कल के दिन में मार्केट ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को एक ही साथ क्रॉस कर लिया है, 16,500, 16,400 और साथ ही साथ 16,600। क्लोजिंग जो है मार्केट की वो 16,650 के करीब की है, लेकिन हमें लगता है कि 16,650-700 ये मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है और यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल दिख सकती है। इसी वजह से हमें लगता है कि शायद एक बार मार्केट 16,500 के क्रूशल लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। 16,550-16,500 के रेंज में निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट है बेस्ड ऑन ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स, और जब तक मार्केट 16,500 के ऊपर है तब तक हमें वापस एक रिबाउंड देखने बिल्कुल मिल सकता है। इसीलिए 16,500 के नीचे ही मार्केट में वीकनेस बनेगी, अदरवाइज हमें लगता है कि 16,550-500 से एक अच्छा रिबाउंड हमें देखने मिलेगा। ऑन द हायर साइड 16,700 ये एक इमीडिएट बेसिस पे मार्केट के लिए रेजिस्टेंस रहेगा और जब तक मार्केट 16,700 को क्लियरली क्रॉस नहीं करता तब तक हमें लगता है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड करते हुए नज़र आएगा। 16,700 के ऊपर 16,800 जो एक मार्केट के लिए अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम लेवल है, और उसके ऊपर फिर 16,950 के 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को मार्केट रीटेस्ट कर सकता है। इसी वजह से हमें लगता है कि 16,550-500 के करीब एक कॉन्ट्रा कॉल लिया जा सकता है, वहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 16,400 का, और यदि अगर मार्केट की क्लोजिंग 16,500 के नीचे की रही तो हमें लगता है कि फिर मार्केट में और वीकनेस देखने मिल सकता है। आज के लिए हमें ध्यान रखना है टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के ऊपर, ऑटो कंपनीज़ के ऊपर और साथ ही साथ कुछ मेटल कंपनीज़ के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट सीजन ख़त्म हो चुका है और जितने भी रिजल्ट्स आने चाहिए थे मेटल कंपनीज से रिलेटेड उतने सभी आ चुके हैं। अभी हमें लगता है कि इसमें एक फ्रेश व्यू बनेगा और इसी वजह से काफ़ी सारे मेटल कंपनीज एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं। अगर वहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न अगर देखने मिलता है तो वहाँ पे हमें कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाने की ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।